वेलकम टू दीपशिखाज लाइफ स्टाइल। तो इस तरह के जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको थीम दिखाई है कि हिमालय है, माता रानी है, भोलेनाथ भी बैठे हुए हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। आपको क्या चाहिए होगा, कार्डबोर्ड जिसको इस शेप में आपको कट करना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ और जो है ट्रिक्स डेकोरेशन से रिलेटेड मिलते रहेंगे सभी फेस्टिवल्स के लिए। तो इसको मैंने कलर भी कर लिया था और उसमें बाद एक वाइट कलर की शीट पे मैंने इस तरह का एक जो है भोलेनाथ के जो माथे पे चंदन लगा होता है उस डिज़ाइन को बनाया हुआ है स्केच से। उसके बाद फिर मैंने इसको कट किया है। बीच में मैंने इसको पिंक कलर से कलर भी किया हुआ है। पहले मैंने इसको चिपकाया है, उसके बाद फिर इसको कलर किया है। तो देखिए, कार्डबोर्ड से ही और पेपर से ये हमारी जो है शिवलिंग तैयार हो गई है और देखने में भी ये कितनी सुंदर लग रही है। अब भोले बाबा का त्रिशूल बनाना है और उसी के साथ डमरू भी आप शेप देख रहे हैं। इसको मैंने पेपर में पहले ड्रॉ किया था कट करने के बाद, अब इसी शेप को मैं ड्रॉ कर रही हूँ कार्डबोर्ड पे, जिसके बाद इसको कट कर लेना है। तो इसको कट कर लेने के बाद फिर आपको जो है सेम इसी तरह का एक और त्रिशूल बनाना है। तो पहले इसी वाले त्रिशूल को मैंने रख के अब इसको ड्रॉ कर लिया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि मेरी जो एफ़र्ट्स हैं डेकोरेशन से रिलेटेड वो आपको पसंद आ रहे हैं। तो अब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है, चलिए इसको कट कर लेते हैं। उसके बाद जब ये दोनों हमारे त्रिशूल अब तैयार हो चुके हैं, डमरू भी इसमें साथ में हमने बनाया हुआ है, अब बारी है इसको कलर करने की। तो मैंने ये जो है वाटर कलर यूज़ किया हुआ है, ब्लैक कलर। दोनों को मैंने कंप्लीट करना है। पहले कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप गोल्डन भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। बट मैंने जो है ब्लैक ही किया हुआ है कि लोहे का त्रिशूल है जिसमें डमरू भी बंधा हुआ है। तो इस तरह से पहले मैंने इसको कलर किया हुआ है। और आप मेरे चैनल पे अगर विज़िट करते हैं तो आपको बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट अमेजिंग आइडियाज़ मिलेंगे सभी डेकोरेशन से रिलेटेड। तो और भी वीडियोज़ भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जन्माष्टमी की सीरीज़ भी आई हुई थी, फिर गणपति जी की डेकोरेशन की, और अभी नवरात्रि आने वाली है तो मेरी अम्बे रानी से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोज़ उसमें मिल जाएंगी। तो आप उनको भी देख सकते हैं, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है हर एक वीडियो में आपको कुछ नया दिखाया जाए, कुछ नया बनाया जाए। तो ये हमारा कलर कंप्लीट हो गया है और देखिए, देखने में एकदम रियल त्रिशूल आपको लग रहे होंगे। मुझे तो एकदम ही रियल लग रहे थे ये जब मैं बना रही थी, क्यों इसलिए ब्लैक कलर ही मैंने इसको चूज़ किया था करने के लिए, जिससे कि इसमें एकदम लोहे जैसा रंग आ जाए। अब जो है पीछे हिमालय पर्वत दिखाने के लिए मैंने जो है थर्माकोल लिया है, जिसको मैंने आगे से ट्रायंगल की शेप में कट कर लिया है। अब चलिए चौकी सजाते हैं, जिससे कि आगे की तैयारियां हम शुरू करते हैं। पीछे मैंने जो है अपना स्कार्फ टांगा हुआ है ब्लू कलर का, और ये बेटे की स्टडी टेबल है जिसको मैंने रखा हुआ है। अब इसमें पिंक कलर का जो है एक टुकड़ा रखा हुआ है, साड़ी का ब्लाउज़ का पीस है, इसको बिछाया हुआ है। क्योंकि ये नया रखा हुआ है तो इसको मैंने इसीलिए बिछाया है, माता रानी को भी इसमें बिठाना है हमें। तो इस तरह से मैंने पहले इसको तैयार किया है। अब एक फूड बॉक्स रखा हुआ है ब्लैक कलर का, पहले मैं उसको रखूँगी, जिससे कि इसके ऊपर जब हम अपनी शिवलिंग को रखेंगे तो वो थोड़ा ऊंचा दिखेगा और ब्लैक कलर में ब्लैक कलर मैच भी करेगा। अब जो हमने हिमालय पर्वत बनाया हुआ है छोटा सा, इसमें ना हमने कलर किया है ना ही मैंने इसमें कॉटन यूज़ किया है, सिर्फ ये थर्माकोल है। और ये जो ट्री आप देख रहे हैं, ये शेप मैंने पहले ड्रॉ किया था कार्डबोर्ड पे, फिर उसको ब्राउन और ग्रीन कलर किया हुआ है। अब बारी है माता रानी के नीचे आसन बनाने की। तो ये थर्माकोल की शीट है जिसको मैंने ओवल के शेप में मैंने कट किया हुआ है, देखिए थर्माकोल को। उसके बाद उसके ऊपर इस तरह का एक पेपर चिपकाया था, और ये जो साइड में किनारी है ये कार्डबोर्ड के बीच का पार्ट होता है जो, उसको मैंने निकाला हुआ था और उसी थर्माकोल के शेप में चिपकाया है। तो अब हम इसको भी आगे रख लेते हैं अपनी शिवलिंग के आगे। अब जो त्रिशूल बनाए हुए हैं अब उनको रखेंगे, जिससे कि क्या है कि ये हमारे भोले बाबा के पास में त्रिशूल और डमरू रखे हुए हैं। ये आप जो छोटे छोटे से पर्वत देख रहे हैं ये अंडे के ट्रे से कट किए हैं, जिनको ब्राउन कलर किया है। और ये एक बहता हुआ झरना बोल सकते हैं या बहती हुई नदी है जो बहती हुई आ रही है। जिस ये थर्माकोल है टुकड़े थे अलग अलग, जिसको मैंने अच्छे से चिपका दिया है।
और ये जो आप ट्री देख रहे हैं ये कार्डबोर्ड से बने हुए हैं। अब माता रानी को हम बिठा दिया है जिससे कि आगे जो हम अपनी डेकोरेशन होगी उस हिसाब से कर पाएंगे। अब ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं सारे आर्टिफिशियल, अब इनको आसपास रखेंगे जिससे कि हिमालय में पेड़ पौधे पर्वत सब होते हैं, तो वो पूरी एक थीम हमने जो है अपनी माता रानी के लिए तैयार की हुई है। आई एम श्योर कि आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। अच्छी लगती है तो जय माता दी ज़रूर लिखिएगा आप बॉक्स में, और वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि किस तरह से ये डेकोरेशन की गई है। अब ये सारे जो है आर्टिफिशियल लीव्स हैं घास हैं जिसको मैंने अच्छे से चारों तरफ रखा हुआ है जो कि एक जंगल बन जाएगा। पीछे हमने दिखाया है कि हिमालय पर्वत है जहाँ पे हमारे भोले बाबा विराजमान हैं, आगे हमारी जगदम्बा माता बैठी हुई हैं शेरों वाली, उसके साइड में एक नदी बह रही है, आप बाणगंगा भी इनको बोल सकते हैं, और उनके आगे चारों तरफ जो है जंगल का एक लुक भी आ गया है, ये झरना भी बहता हुआ आपको दिखाया गया है। तो हमने जो दरबार सजाया था अपनी माता रानी के लिए वो अब हमारा कंप्लीट हो गया है, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है जब वो बनके तैयार हुआ है। और अब जब आप इसको देख रहे थे पहले क्लिप में तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे बनेगा, लेकिन जब मैंने इसको आपको पूरा ट्यूटोरियल दिखाया है तो आप भी कितना ईजिली इसको बना पाए हैं। और पीछे मैंने ब्लू कलर की पर्दा जो लगाया हुआ था उसमें क्लाउड्स और एक ग्लिटर की शीट से चांद को कट करके भोले बाबा के ऊपर और पीछे चिपका दिया है जिससे कि हमारी पूरी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय माता दी। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिए।